गाइज, शुरुआती दौर में व्हाट्सएप कब बना, कौन कौन व्यक्ति ने मिलकर व्हाट्सएप को बनाया, उसके बाद व्हाट्सएप को कौन सा व्यक्ति कब खरीद लिया, जो कि आज दुनिया में चल रहा है, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट तक जरूर मिलेगा। किन किन व्यक्तियों ने मिलकर व्हाट्सएप को बनाया, आप लोग कहेंगे फेसबुक द्वारा बनाया गया होगा, उसके कर्मचारी बनाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। दो व्यक्तियों के फल के कारण यानी कि उनके कठिन परिश्रम के कारण व्हाट्सएप हम लोग प्रतिदिन ढेर सारे उसके उपयोग करते हैं। उन दो व्यक्तियों का नाम है, जो कि नाम है एक्टन और जेन कुम। एक्टन और जेन कुम दो व्यक्ति थे जो कि जाकर व्हाट्सएप को बनाए और आज दुनिया में व्हाट्सएप फैला हुआ है। आप व्हाट्सएप चलाते होंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप अगर आप चला रहे हैं तो कभी आपने सोचे हुए हैं कि व्हाट्सएप पर कितने व्यक्ति यानी कि जुड़े हुए हैं, डाउनलोड किए हुए हैं, उसको चला रहे हैं, यानी कि डाउनलोड किए और उसका छोड़ दिए, चलाए नहीं, वह प्रतिदिन चलाया जा रहा है, कितने व्यक्ति चला रहे हैं, ऐसा अनुमान से पता चलेगा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, 90 करोड़ यूजर एक्टिव है जो कि प्रतिदिन व्हाट्सएप को चलाना ही चलाना है। मैं गाय जो व्हाट्सएप बना है उस व्हाट्सएप को किस भाषाओं में यानी कि बनाया गया है, आप लोग कहेंगे यहाँ अमेरिका द्वारा व्हाट्सएप को, मैंने यानी कि उसे सर्वर अमेरिका द्वारा है, फेसबुक चलाता है, तो उसको इंग्लिश भाषा में ही बनाया गया होगा अमेरिका के अंतर्गत, लेकिन नहीं, उस भाषा में बनाया गया है जो आप सुनकर चौंक जाएंगे, इरलैंग भाषा में व्हाट्सएप को बनाया गया था, जो कि बाद में उसे अनेक भाषाओं में देकर उसके अनेक अनेक देशों में भेजा गया। किन किन व्यक्तियों ने मिलकर व्हाट्सएप को बनाया, आप लोग कहेंगे फेसबुक द्वारा बनाया गया होगा, उसके कर्मचारी बनाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। दो व्यक्तियों के फल के कारण यानी कि उनके कठिन परिश्रम के कारण व्हाट्सएप हम लोग प्रतिदिन ढेर सारे उसके उपयोग करते हैं। उन दो व्यक्तियों का नाम है, जो कि नाम है एक्टन और जेन कुम। एक्टन और जेन कुम दो व्यक्ति थे जो कि जाकर व्हाट्सएप को बनाए और आज दुनिया में व्हाट्सएप फैला हुआ है। अब गाइज, आप लोग हम लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप चलाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कब आया, आप लोग कहेंगे हम लोगों ने 2016 के करीब में व्हाट्सएप को यूज करना प्रारंभ किया, तो क्या 2016 के करीब में व्हाट्सएप बना, ऐसा नहीं है, या क्या 2000 के करीब बना था, नहीं, 2009 में व्हाट्सएप को बनाया गया, दो व्यक्तियों के मिलकर बनाए हुए थे, जो कि 2010 में इसे लॉन्च किए, तब जाकर यहाँ पूरे दुनिया में फैला। आज पूरे दुनिया में व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा ऐप बन चुका है, मैसेंजर। आज आप लोग हम लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक के अंतर्गत चलता है, जी हाँ, यहाँ बात तो करेक्ट है, लेकिन फेसबुक ने व्हाट्सएप तो लॉन्च हुआ 2010 में, लेकिन फेसबुक को यानी कि फेसबुक जो है वह किस समय खरीदा, व्हाट्सएप को किस समय खरीदा, कितने रुपये में खरीदा, वो 2014 में खरीदा हुआ है फेसबुक ने व्हाट्सएप को, और 1900 यानी कि 19.3 जिसको 19.3 मिलियन डॉलर में खरीदा हुआ है फेसबुक ने। गाइस, जो व्हाट्सएप था उसमें पहले जैसे कि फेसबुक ने 2014 में खरीद लिया था, लेकिन उस समय कर्मचारी कितने व्हाट्सएप में काम करके व्हाट्सएप को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, आप लोग कहेंगे बहुत अधिक कर्मचारी हो, आप लोग कहेंगे दो ही व्यक्ति, लेकिन ऐसा नहीं, उसमें 55 कर्मचारियों ने मिलकर उस व्हाट्सएप है उसको बहुत अधिक ग्रोथ करने के चाह रहे थे, लेकिन बाद में फेसबुक ने इससे बहुत अधिक फ्यूचर देखने के कारण कि भविष्य में काम होगा, तो उसने बाद में व्हाट्सएप बना है किस लैंग्वेज, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप जो बना उस व्हाट्सएप को बनने के बाद उसमें कितने भाषाएं जोड़े गए, जो कि आज उतने भाषाएं में चल रहे हैं अनेक अनेक देशों में, लेकिन अधिकतर इंग्लिश मीडियम में व्हाट्सएप को यूज किया जा रहा है। आप किस भाषा में यूज करते हैं, मैं चार सेक्शन में लिखे, 60 भाषाओं में व्हाट्सएप को फिर से यानी कि उसमें जोड़ दिया गया कि अलग अलग देशों में दिक्कत ना हो किसी व्यक्ति को, और 60 भाषाओं में आज व्हाट्सएप में जो CEO थे यानी कि जियो की मालिक कहा जाता है व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप का CEO थे वह किस समय रिटायरमेंट दे दिए थे, कौन व्यक्ति थे CEO, जी मैं बताता हूँ कि 2017 के जो पहले वहाँ इस्तीफा दे दिए थे 2017 में, जो कि ब्रेन और जॉन 2017 में इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन उसके बाद 2018 में दूसरे व्यक्ति ने आकर उनको चलाया। आप चार सेक्शन में लिख सकते हैं कि किस कारण से वह व्यक्ति इस्तीफा। गाइज, आप लोगों हम लोगों ने एक दिन के अंतर्गत
दो चार फोटो को भेजते हैं, सेंड करते हैं किसी के पास, दो चार वीडियो को सेंड करते हैं, 10-20 कीवर्ड यानी कि टाइपिंग करके सेंड करते हैं, लेकिन एक दिन के अंतर्गत कितने सेंड इतना किया जाता है पूरा दुनिया में, मैं बताता हूँ कि फोटो जो है 4.5 बिलियन को फोटो को सेंड किया जाता है, और उसके बाद जो टेक्स्ट यानी कि मैसेज भेजा जाता है वो 55 यानी कि 55 बिलियन टेक्स्ट यानी कि लिख कर भेजा जाता है, उसके बाद वीडियो जो होता है वह 1 बिलियन वीडियो को सेंड किया जाता है किसी और के पास। गाइज आजकल जो व्हाट्सएप चलाते हैं उस व्हाट्सएप को किसने बनाया, किसने इसे सर्च किया, किसने इस्तीफा दिया, कब इस्तीफा दिया, ढेर सारे बताए, लेकिन आधुनिक यानी कि अभी के जमाने में और यानी कि अभी के समय में करेंट में कौन सा व्यक्ति व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि सीईओ हुआ, सीईओ उसका क्या नाम है, क्रिस डेनियल ने अभी व्हाट्सएप का सीईओ है, जो उसके अंतर्गत व्हाट्सएप चल रहा है पूरे दुनिया में। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।